आज तक हम लोग जैसे भी एनेस्थेसिया देते हैं, हर पेशेंट को हम पूछ लेते हैं कि आपका ऑपरेशन के दौरान आपको पता चला क्या। तो ये आज तक मेरे 15 साल के शरीर में किसी ने भी ऐसा कंप्लेन नहीं किया कि मैं ऑपरेशन के दौरान जाग रहा था। हो सकता है कार्डियक एनेस्थेसिया में थोड़ा बहुत ये पेशेंट ऑपरेशन के दौरान जाग रहा हो और वो सांस नहीं ले पा रहा हो। वैसे केसेस किससे बहुत सुनाई देते हैं, क्योंकि कई कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको दवाई का असर होता नहीं है, लेकिन दूसरे जो हम मसल रिलैक्सन कहते हैं, जो सांस उनका सांस क्रिया को बंद करते हैं, तो वो ड्रग्स एक्टिव रहते हैं, तो पेशेंट्स अवेक बोलते हैं, तो अवेक रह सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को हम यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम दवाई दे देते हैं इंट्राऑपरेटिवली, तो कुछ इश्यू नहीं आता है। इंडियन पेशेंट्स में इतना कुछ प्रॉब्लम आता नहीं है, क्योंकि ज्यादातर पेशेंट्स न्यू होते हैं, माने कि ड्रग्स वगैरह सेवन नहीं करते। जो ड्रग्स सेवन करते हैं, अल्कोहल सेवन करते हैं, उनमें ये चांसेस ज्यादा होता है। तो इंडियन पॉपुलेशन में थोड़ा कम है। और पेशेंट्स जो आते हैं हमारे पास, जो वैरायटी सर्जरीज के लिए, अभी कार्डियक सर्जरी में इतनी सारी वैरायटी आएगी कि हमारे ऊपर एनेस्थेसिया पे चैलेंज आ चुका है। जैसे कि अवेक कार्डियक सर्जरी, अवेक कार्डियक सर्जरी में जैसे पेशेंट अवेक, मतलब उसको पता चलता है कि उसके साथ ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन पूरा एनेस्थेसिया में एनाल्जेसिया दिया रहता है। वो स्पेशल टाइप ऑफ रीजनल एनेस्थेसिया कहते हैं, जो सर्वाइकल स्पाइन में, स्पाइन के बाजू में, या एपिड्यूरल एनाल्जेसिया कहते हैं। तो एपिड्यूरल एनाल्जेसिया एंड एनेस्थेसिया, वो टाइप का एनेस्थेसिया देते हैं जो पीछे नेक के पीछे या पीठ के पीछे एक छोटी सी पाइप में से दवाई देते हैं, जिसको हम लोकल एनेस्थेटिक्स बोलते हैं। वो देके उनको पूरा बॉडी, वो जो हार्ट का पोर्शन का जो उधर ऑपरेशन होना है, उधर उतना ही एनेस्थेसिया देते हैं। तो ऑपरेशन विदाउट पेन होता रहेगा और पेशेंट से हम बातें करते रहते हैं। तो दैट इज अवेक कार्डियक सर्जरी कहते हैं। वो हम पिछले 10 साल से हैव टेकन एक्सपीरियंस उसमें भी है। दूसरी बात है मिनिमल इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी, उसमें भी हमें चैलेंज होता है कि दोनों लंग एक साथ हम वेंटिलेटर पे लगाए रहते हैं। तो मिनिमल इन्वेजिव में ऐसा होता है कि हार्ट और लंग एक दूसरे को चिपके रहते हैं। जो लेफ्ट साइड हार्ट रहता है, लेफ्ट साइड का लंग रहता है। तो हम अपने टेक्निक से, जो डबल लंगन ट्यूब टेक्निक्स का हो, या ब्रोंकियल ब्लॉकर्स का हो, या वन लंग वेंटिलेशन, तो इस टेक्निक को वन लंग वेंटिलेशन कहते हैं। जो स्पेशल टाइप का पाइप रहता है, वो पाइप हमारे पेशेंट के श्वास नली में डाल देते हैं, ताकि एक लंग ब्रीद नहीं कर सके और दूसरा लंग से पेशेंट को ब्रीदिंग रखते हैं। जो सर्जन सर्जिकल टीम जो ऑपरेशन करते रहते हैं, उनका जो लंग बीच में आता है ऑपरेशन के दौरान, वो लंग को हम ये डिफ्लेट कर देते हैं, मतलब छोटा कर देते हैं, सिर्फ हार्ट ही दिखेगा उनको। ऐसा करके उनको एक फैसिलिटी बना के दे देते हैं।